बिहार आज की तारीख में बाबू फैक्ट्री का लाता है अगर ये आंकड़ा सही है कि आज की तारीख में दस परसेंट टोटल आई एस ऑफ इंडिया इज फ्रॉम बिहार ऑरिजिन आपका एक लंबा अनुभव रहा है आप नाइनटीन बैच के आई रहे हैं और आपने बाहर से भी देखा है मतलब तो बिहार के बाहर रह के भी तो ये जनरेशन जो आज के लॉट है जो आपका लॉट था उसमें थॉट प्रोसेस में अंतर देखते हैं ये पहले से थोड़ा रिफाइन हुआ है या और थोड़ा गलत दिशा में बढ़ा है और साथ ही जो एक आज के डेट में मैं देखता हूँ जो सिविल सर्वेंट्स को एक जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस पाने का सबके अपने फैन फॉलोइंग है सब सब मतलब जहां आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं काम तो ठीक है वो अच्छा बुरा आप उसको एनालाइज कर सकते हैं पर इसके अलावा भी जो एक जो इवन बीके प्रसाद सर ने बोला कि आप एक काम करते हैं और उसको पूरा वाहवा लुटते हैं तो ये ये क्या ये सही है या क्या कैसे इसको आप देखते हैं आपके प्रश्न को मैं दो भाग में लेता हूँ जो पहला भाग आपका कहना है कि ये बिहार जो है वो बाबू की फैक्ट्री है बिहार बाबू की फैक्ट्री तो है ही है बिहार टैलेंट की फैक्ट्री है और टैलेंट की फैक्ट्री के साथ दिक्कत यह है कि उसको आ, सिवाय शिक्षा और उस तरफ जाने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई फ्यूचर जनरेशन जो है वो बहुत कहे कि हम कृषि पर कुछ ऐसा कर देंगे जहाँ हम बिहार में रह पाए ना हमारे यहाँ इंडस्ट्री है जहाँ की महाराष्ट्र में और बाकी गुजरात में बाकी जगह पे जो हम फ्यूचर जनरेशन है उसको एक फैक्ट्री दिया हुआ है उसको फादर पेरेंट्स ने उसको फैक्ट्री दिया है वहाँ से निकलेगा और फैक्ट्री में काम करेगा एमबीए बी ए करेगा फैक्ट्री में काम करेगा दूसरे जनरेशन है जहां पर कि नर्सिंग होम है डॉक्टर्स हैं लोग अपना काम करेंगे तो हमारे यहाँ के जनरेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है तो उसके पास जो कुछ है वो उसका वो टैलेंट है और वो टैलेंट जितना चैनलाइज हो पाता है जहां जहां जितना चैनलाइज जिसका हो पाता है वो उतना आगे बढ़ जाता है जैसे सिर्फ फैक्ट्री के अलावा आप जानते हैं कि जैसे सुपर थर्टी का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ आई में जाने का हम जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो इतने ब्रिलियंट हैं शार्प हैं कि के जो प्रश्न है उसको बढ़िया से कर सकते हैं एक वो उनको समझाने वाला स्ट्रीमलाइन करने वाला गाइड करने वाला चाहिए होता था क्योंकि उनको लैंग्वेज और बाकी चीजों की जो है उनकी दिक्कत होती थी अंग्रेजी स्कूल में वो नहीं पढ़ते थे उसी ढंग से जो है वो आ, सिविल सर्विस में भी वही चीजें हैं कि बाहर निकल के हर तरह से जिसको जहां अपने प्रयास से दूसरे के प्रयास से जो है कोशिश करता है कि वो सिविल सर्वेंट बन पाए और वही चीज हम लोगों ने एन में भी कहा मैं एक आ, कहानी हर जगह कहता हूँ मैं एक आ, बताता हूँ कि मेरा जो पर्सनल एन से जुड़ा हुआ मैं जब पहली बार के इंटरव्यू में गया तो एक लड़का आया था वहां पे उसने आ, किसी मतलब बी ग्रेड के इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने किया हुआ था इंजीनियरिंग लेकिन उसने कहा कि सर मेरा पिछली बार भी रिटेन में हो गया था और जैसे हम लोग बिहारी में कहते हैं हम बोर्ड के सामने सर थरथराते रह गए और बोर्ड ने कहा कि जब तुम ठीक से बैठोगे तभी तो हम तुमसे बात करेंगे यानी वो उसका कांपना उसका कॉन्फिडेंस इतना लो था कि वो इंटरव्यू ठीक से बैठ नहीं पाया तो हम लोगों ने उसको कहा कि ऐसा करो कि तुम रोज आओ जब हम लोग ऑफलाइन सैटरडे संडे करते हैं सबका मॉक इंटरव्यू दो देखो फिर अपना मॉक दो और फिर तुम जो है जाया करो और वो कंटिन्यूअसली उस पूरे सेशन में जो है वो सुबह नौ दस बजे आ जाता था बिहार भवन में सारे लोगों का मॉक देखता था फिर अपना मॉक देता था और उसके बाद वो जाता था और ये कंटिन्यूअसली करते करते जब हम लोग कनेक्ट प्रोग्राम में आए तो उसने सीधे कहा कि सर मैं झारखंड काडर का आईपीएस हो गया तो वो जो आपको मिलता है कि एक टैलेंट था सब कुछ था देखिए उसकी तैयारी उसके पास उसकी तो उसकी जहां तक मतलब मुझे याद है मदर आंगनबाड़ी की काम करती थी फादर नहीं थे या फादर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो ऐसे जो टैलेंटेड पुअर रिसोर्सेज है हमारे बिहार का उसको जो हम यदि गाइड कर पा के वहां तक पहुंचा पाते हैं कि वो एक मुख्य भूमिका ब्यूरोक्रेसी में निभा पाता है तो हमारे स्टेट की जो पोजीशन है उसमें यदि वो ब्यूरोक्रेट की ब्यूरोक्रेसी की फैक्ट्री है इंजीनियर्स की फैक्ट्री है टेक्नोक्रेट्स की फैक्ट्री है और आईटी वालों की फैक्ट्री है तो और कोई अच्छी बात है तो हमारे पास और करने को कुछ नहीं है इसलिए उन टैलेंट्स को उनको हम जितना भी चैनलाइज चे, कर सकें जितना भी आगे ले जाना चाहें वो हम ले जाने की कोशिश करें वो एक अच्छी बात है आ, रही बात जो आपने दूसरा पार्ट कहा कि इंडिविजुअली जो आजकल कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो बच्चे आते हैं उनको जो अपना इंडिविजुअल एक सोशल मीडिया में अपना एक स्टार बनने की एक पॉपुलैरिटी लेने की वो करने की जो टेंडेंसी बन रही है तो उसमें मैं ये कहूंगा कि एक तो प्राइमरली चीज हमारे बीके प्रसाद सर ने आपको एड्रेस कर दिया था कि जैसे तमिलनाडु में होता है कि जहां पर की सिस्टम ड्रिवेन चीजें होती हैं वहां पे कोई इसको बहुत वैल्यू नहीं देता है कि आपने जो है चार लोगों को पकड़ लिया या किसी गुंडे को बंद कर दिया तो आपका अखबार और फोटो छपे ऐसा नहीं ऐसा सिस्टम यहाँ होता रहता है चलता रहता है और जहां हम लोग खास करके ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है बहुत सारे जगहों पर यह टेंडेंसी सोशल मीडिया में ब्यूरोक्रेट्स के आने की हो गई है जहां पर कि एक इंडिविजुअल उसका जो अचीवमेंट है उसको ग्लोरीफाई करती है मीडिया वहां पे वो और ज्यादा जो है वो उसको उसमें उसकी तरफ वो जा रहा है तो ये जो एक टेंडेंसी है इस टेंडेंसी को वहां के सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और बाकी लोगों को देखने की आवश्यकता है और बहुत सारे जगहों पे तो जहां पर मैं जानता हूँ कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो उस पर रोक लगाती है उसको कम करना चाहती है लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो ये चीजें हैं जहां तक ये पॉजिटिव है कि वो उसके काम करने में उसके एफिशिएंसी को या उसके काम से लोगों को लिंक करने तक जाती है वहां तक तो ठीक है लेकिन वहां पर एक जो लक्ष्मण रेखा जहां जो लोग ब्यूरोक्रेट्स खींच रहे हैं जहां वो उसको अपना हीरोइक चीजें बनाना चाहते हैं और ये पहले भी होता था मैं आपको बताऊं पहले उतना नहीं होता था कम होता था जैसे बहुत सारे अफसर जो है वो किसी जगह पे तीन साल चार साल पांच साल रह जाते थे वो बहुत पॉपुलर हो जाते थे उनको लगता था कि मैं यहाँ से चुनाव जीत सकता हूँ और फिर वो जो है वो चुनाव लड़ जाते थे और पता चलता था कि पांच हजार वोट मिल रहे हैं तब उनको जो है जमीनी हकीकत पता चलता था कि वो आपकी कुर्सी के कारण था आपके इंडिविजुअल उसके कारण नहीं था तो पहले भी लोगों लो के साथ हुआ है अभी चुके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो जो ब्लास्ट है उसके कारण जो है वो ये चीजें हो रही है और इसमें यही है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो सुपरवाइजरी अफसर है उनको गाइड करने की जरूरत है कि एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए जहां तक वो आपके काम को मदद कर रहा है वहां तक ठीक है जहां तक आपके इंडिविजुअल ईगो को और कर रहा है और निगेटिव जा रहा है वहां उसको रोकने की आवश्यकता है